हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर गेट, ईएससी एंड अदर पीएससी एग्जाम्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले वीडियो से देख सकते हो, ठीक है। और हम अभी कर रहे हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, ठीक है। इसमें सब टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टीज वगैरह सब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सीटी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज शोन बिलो, ठीक है। जीटी सिग्नल हमें दिया है, हमें प्लॉट करना है जी टी प्लस टू। टी प्लस टू मतलब एडवांस हो जाता है ना, टाइम एडवांस। टाइम एडवांस किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, टू से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये टू शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड, तो कौन सा सिग्नल आ जाएगा, ऑब्वियसली बी, ठीक है। ये इसका शिफ्टेड वर्जन है बी, लेफ्ट हैंड साइड 2 से, ठीक है। और ये भी देख सकते हो, देखो इसकी जो ड्यूरेशन है 4 है, उसकी ड्यूरेशन तो 4 ही रहने वाली है। देखो सी और डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, टाइम शिफ्टिंग से ड्यूरेशन तो चेंज नहीं होगी। और ये क्या है, ये डिले वर्जन है, ये बेसिकली जी टी माइनस टू है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स टी एंड वाई टी इन द फिगर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो एक्स टी जो है ये है, वाई टी ये है। अब ध्यान से देखोगे, सबसे पहले ड्यूरेशन देख लो, -2 से 2 तक है, ठीक है। इसकी 0 से 4, ये क्या है, विड्थ इसकी 4 है दोनों की, मतलब विड्थ में टाइम हमने स्केलिंग किया ही नहीं है, ऑप्शन बी। और एम्पलीट्यूड भी देखो, यहाँ पे 1 है मैक्सिमम, यहाँ पे 1 है ना, हमने एम्पलीट्यूड चेंज किया है। और टाइम एडवांस तो है ही नहीं है, हमने क्या किया, टाइम डिले, राइट साइड शिफ्ट किया इसको। एक्स टी को अगर मैं राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ तो वाई टी बन रहा है मेरा, है ना, 2 यूनिट शिफ्ट करूंगा तो बन रहा है, तो मतलब ये होगा टाइम डिले, टाइम डिलेड वर्जन ऑफ एक्स टी बाय 2 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ टी यू ऑफ टी शिफ्टेड टू राइट राइट साइड बाय टी नॉट, देन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज, राइट साइड मतलब डिले है ना, टाइम डिले, डिले मतलब माइनस। तो इसको अगर हम टी नॉट से करेंगे तो एफ टी की जगह टी नॉट डालना है, ठीक है, कहीं भी हो ये आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो ऐसा नहीं कि ओनली इस टी को टी माइनस टी नोट कर दिया, या फिर इस टी को ओनली टी नोट माइनस कर दिया, ठीक है, दोनों को कर, जहां जहां टी है वहां टी माइनस टी नोट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सिग्नल एक्स टी एंड इट्स ट्रांसफॉर्म सिग्नल वाई टी आर शोन इन फिगर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, वाई टी इज एक्स ऑफ ए ए टी प्लस बी, देन वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जो वाई टी है मेरा वो है एक्स ऑफ ए टी प्लस बी, इसका मतलब हमने टाइम शिफ्टिंग और स्केलिंग दोनों की है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो एक्स की विड्थ कितनी है, 4 है, और इसकी विड्थ कितनी है वाई की, 3 -5/3, 2 4/3, तो ये कंप्रेस हो गया ना, कंप्रेस हो गया, तो हमने कितने यूनिट से कंप्रेस हो, कितने टाइम हो गया, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स कंप्रेस हो गया, 1/3 टाइम हो गया। तो इसका मतलब यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी, 3, ठीक है। अब देखो, या तो दो, जब भी हम सिग्नल में प्रॉपर्टी लगाते हैं, या तो हम पहले स्केलिंग कर देंगे, जैसे अगर मुझे एक्स से वाई बनाना है इससे, तो पहले मैंने टाइम क्या किया, टाइम डिले या एडवांस जो भी है, ठीक है, टाइम डोमेन में वो किया, उसके बाद मैंने स्केलिंग की, तब वाई टी बना। या हम क्या करते हैं, पहले स्केलिंग करते हैं फिर टाइम उसमें करते हैं। तो दो चीजें देखो, अगर मुझे स्केलिंग पहले करनी है तो मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि पहले मैंने स्केलिंग कर दी ए से, उसके बाद मैंने टाइम में डिले या एडवांस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे, चलो तो ये आ जाएगा एक्स ऑफ 3 टी प्लस बी बाई 3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स टी को टाइम स्केल करता हूँ, एक्स टी को अगर मैं टाइम स्केलिंग करूंगा 3 से, 3 टी करूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, जहां जहां एम्पलीट्यूड, जहां जहां टाइम क्या हो जाएगा, टी बाई 3 हो जाएगा, तो मेरा ये आ जाएगा -1/3 से
वन तक। ये कुछ ऐसा बन जाएगा मेरा, ये बनेगा मेरा एक्स ऑफ थ्री टी, ये माइनस वन बाय थ्री से वन, थ्री बाय थ्री मतलब ये टू बाय थ्री, ठीक है। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, मुझे इसके बाद करना है शिफ्टिंग, शिफ्टिंग करनी है मुझे बी बाय थ्री से, शिफ्टिंग कर दूंगा बी बाय थ्री से तो ये बन जाएगा। तो इससे ये बनाने के लिए मुझे कितना शिफ्टिंग करना पड़ेगा, देखो वन से थ्री तक जा रहा है, टू शिफ्टिंग करना पड़ेगा, डिले करना पड़ेगा। इसका मतलब जो बी बाय थ्री आएगा इसके बाद, अगर मैं करता हूं एक्स ऑफ थ्री टी माइनस टू, तब जाके मेरा वाई टी बनेगा। तो यहां से मेरा बी बाय थ्री, बी बाय ए किसके इक्वल आ गया, माइनस टू के, और बी आ जाएगा माइनस सिक्स के, ठीक है। अब इसको चेक कर सकते हो कि जो वाई टी है वो मेरा एक्स ऑफ थ्री टी माइनस सिक्स है। तो पहले डिले करके देख लो, फिर बाद में स्केलिंग कर दो, ठीक है, चेक कर लेना वाई टी सेम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी यही क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि सेम सिग्नल है एक्स वन टी एक्स टू टी, जो पीछे हमने देखा है एग्जैक्ट। अब बोला है कि कैसे बनेगा, जैसे कि हमने देखा है दो चीज कर सकते हैं अब हमें, कि जो वाई, जो एक्स ऑफ टू टी है वो है एक्स ऑफ वन थ्री टी माइनस सिक्स, ठीक है। अगर मुझे पहले स्केलिंग करनी है, सॉरी टाइम डिले डिले करना है, तो मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर मुझे पहले स्केलिंग करनी है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा थ्री कॉमन निकाल के, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, या तो पहले मैं टाइम डिले कर दू सिक्स से, फिर बाद में स्केलिंग कर दू थ्री से, है ना, स्केलिंग मतलब कंप्रेस हो जाएगा ना, और या तो मैं टाइम स्केलिंग पहले कर दू और डिले बाद में करूँ दो से, ठीक है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट कंप्रेस द एक्स वन टी डिवाइड विद फैक्टर ऑफ थ्री, कंप्रेस करता ना एक्स वन टी को थ्री के फैक्टर से, ये बात सही है। देन शिफ्ट टू द राइट बाय सिक्स यूनिट, गलत है, सिक्स यूनिट से नहीं करेंगे दो से करेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन है फर्स्ट एक्सपेंड, एक्सपेंड तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि कंप्रेस हो रहा है। सी है फर्स्ट कंप्रेस एक्स वन टी बाय फैक्टर ऑफ थ्री, यस सही है, पहले हम कंप्रेस कर रहे हैं। देन शिफ्ट टू द राइट बाय टू, राइट मतलब डिले टू से, ये सही है। फोर्थ में है फर्स्ट शिफ्ट द एक्स वन टी टू द राइट बाय टू टाइम, अगर पहले शिफ्टिंग करनी है तो छह से करेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए सिग्नल एफ टी एज शोन इन द फिगर, प्लॉट एफ ऑफ फोर माइनस टू टी, है ना। तो सबसे पहले देखो मुझे बनाना है एफ ऑफ माइनस टू टी प्लस फोर, लिख लेता हूं मैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर हम पहले एडवांस कर देंगे उसके बाद माइनस टू टी कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, एडवांस कर लेता हूँ सिग्नल को फोर से, तो मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा कि मुझे फोर से एडवांस कर देना ना, कि देखो जो टू पे था इस साइड फोर से पहुंच जाएगा, तो टू वाला पहुंच जाएगा माइनस टू पे, जीरो जीरो वाला पहुंच जाएगा, एक मिनट, माइनस टू यहाँ पे, जीरो वाला पहुंच जाएगा माइनस फोर पे, माइनस टू वाला माइनस सिक्स पे, ठीक है, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, ठीक है। ये ध्यान रखो कभी भी डिले एडवांस कर रहे हैं विड्थ तो उतनी ही रहेगी, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि ठीक है, ठीक है, ये छोटा इसलिए लगा रहे हो कि मैंने छोटे पास पास बना दिया, ठीक है। ये आ जाएगा टू, ये आ जाएगा वन, ये मेरा बना है एफ ऑफ टी प्लस फोर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहले मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो कंप्रेस हो जाएगा ना, ये कंप्रेस हो जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मुझे बनाना है एफ ऑफ टू टी प्लस फोर, तो कंप्रेस हो गए ये बन जाएगा, जैसे माइनस सिक्स था माइनस फोर माइनस टू, कंप्रेस हो गया तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, कुछ ऐसा बन जाएगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, ठीक है, ये कुछ बनेगा इस तरीके से, ठीक है, ये कंप्रेस हो गया, एम्पलीट्यूड वैसे रहेंगे। अब मुझे क्या करना है, माइनस मतलब टाइम, टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल बस मिरर इमेज बन जाएगी वाई एक्सिस के थ्रू, ठीक है। जैसे ये बन रहा था माइनस वन टू थ्री वन,
थ्री ऐसा बन जाएगा, वन से लेके टू तक ऐसे, वन टू तक ऐसे और थ्री, ठीक है, वन टू थ्री। कैसा ऑप्शन है इसमें, देखो इसमें सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ, मतलब वन के बाद हाफ ऐड करेंगे 3/2 बस, ठीक है। इसके अलावा अगर नहीं समझ आए, देखो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, फिर क्या करना है, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। अगर सपोज करो कोई भी टाइम की वैल्यू देखो, सारे सारे ऑप्शन में जहां पे अलग हो, जैसे टू है, टू हर जगह अलग है, देखो टू टू पे यहाँ की वैल्यू टू है, यहाँ पे टू की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो, अच्छा सब में अलग नहीं है। तो इसमें एलिमिनेशन अगर कैसे करना, देखो सबसे पहले हम देखो टी के आगे माइनस है, इसका मतलब टाइम रिवर्सल हुआ है, इसकी शेप जो ऐसी थी वो ऐसी बनने वाली है, मिरर इमेज बनने वाली है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन गया, काम खत्म। दूसरा चीज क्या है, हमने स्केलिंग की है टू से, इसका मतलब वो कंप्रेस होने वाला है, इसकी विड्थ अगर 4 है, जो हमारा ऑप्शन आएगा उसकी विड्थ होनी चाहिए 2, ठीक है, और इसकी विड्थ है 2, इसकी विड्थ है 2, इसकी विड्थ है 2, तो इससे थोड़ा मुश्किल है। इसके और क्या कर सकते हैं हम, फिर वही पुट कर लो, देखो जीरो पे वैल्यू चेक कर लो इसकी, अगर मैं एफ ऑफ टी की वैल्यू जीरो पुट करो यहाँ पे, एफ ऑफ क्या आ जाएगा 4, एफ ऑफ 4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, जीरो, तो जीरो पे वैल्यू देखो जीरो किसकी है, इन दोनों की है, तो ये गया, ठीक है। अब देखो दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, इसमें क्या देखें हम, इसमें टू देख लेते हैं, टू पे इसकी वैल्यू टू है और टू में इसकी वैल्यू जीरो है, तो अगर मैं टी इज इक्वल टू टू पुट करता हूँ, तो एफ ऑफ 4 - 2 इंटू टू 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 क्या है यहाँ पे, टू, टू पे वैल्यू टू है, ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक वैल्यू पुट करोगे टाइम के तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, वहां ये हो सकता है काम आ जाए, बट अपने को ये भी आना चाहिए मेन मेथड, ठीक है, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए कि कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा, टी की वैल्यू पुट करनी स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट ऑफ ये सेम ही, अच्छा एक्स टी इज शोन, हमें फाइंड करना है एक्स ऑफ 1 - t, तो बस सिंपल है ये भी, एक्स टी दिया हमें फाइंड करना है एक्स ऑफ 1 - t, तो -t + 1, सबसे पहले क्या करना मुझे, प्लस वन करना मुझे, एडवांस कर देना है, तो एडवांस सिग्नल कैसा बनेगा, एडवांस मतलब मुझे 1 यूनिट शिफ्ट करना है इस साइड, तो -1 से 3 था, तो अभी आ जाएगा -2 से 2, ठीक है, ये कुछ बनेगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसा बन जाएगा, ये है मेरा एक्स ऑफ टी प्लस वन। अब मुझे टी के आगे माइनस, टाइम रिवर्सल तो करना है, बस इसकी मिरर इमेज कौन सी दिख रही है यहाँ पे, देखो ऑप्शन ए चेक करो, इसकी मिरर इमेज है ना वाई एक्सिस के थ्रू, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी हमें अगर देखना है तो देखो टाइम में माइनस है तो टाइम रिवर्सल होना ही है, इसकी शेप उल्टी हो जाएगी बिल्कुल, तो इसका मतलब सी ऑप्शन तो गया, सी में इसकी शेप वैसी ही है, ठीक है, बी ऑप्शन भी गया, देखो दो ऑप्शन कट गए इसमें, और क्या कर सकते हैं हम, और वही करो इसमें क्या करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, टी में वैल्यू कहाँ कहाँ पे डिफरेंट है, वैल्यू डिफरेंट है, अच्छा देखो इसमें क्या करो, वन पे ले लेते ना, वन पे यहाँ पे वैल्यू 1 है, 1 पे यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो मतलब एक्स ऑफ टी की वैल्यू 1 पुट कर दो, एक्स ऑफ 0 के इक्वल, एक्स ऑफ 0 क्या है, 1 के इक्वल, तो देखो 1 पे वैल्यू इसकी 1 है, ये सही है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। यस अगला क्वेश्चन है, सिग्नल एक्स टी इज शोन इन द फिगर, हमें फाइंड प्लॉट द ट्रांसफॉर्म सिग्नल वाई टी इज इक्वल टू, y t इज इक्वल टू -6 x t - 1/2। अब देखो जब ऐसे दिया हो तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, पहले टू से
टाइम स्केलिंग कर सकते हो अगर करना, तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे वाई टी क्या है मेरा, एम्पलीट्यूड बिल्कुल लास्ट में करो मेरे हिसाब से, ठीक है, एक्स ऑफ टी बाय टू माइनस वन बाय टू, ठीक है, ऐसे कर लो। अगर पहले टाइम डिले करना है तो इस तरीके से लिखो, अगर स्केलिंग करना तो इस तरीके से। तो ये हम स्केलिंग पहले कर लेते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, स्केलिंग करता हूँ। स्केलिंग क्या करना है मुझे, मुझे बनाना है पहले एक्स ऑफ टी डिवाइड बाय टू, है ना। टी डिवाइड बाय टू का क्या मतलब है, एक्सपेंड कर दो बस टू से। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो माइनस वन से वन के बीच में था, अब वो माइनस टू से टू के से आ जाएगा, एक्सपेंड हो गया बाय फैक्टर ऑफ टू। अब इसके बाद मुझे टाइम स्केलिंग करनी है, तो मुझे एक्स ऑफ टी माइनस, सॉरी टाइम स्केलिंग, टाइम डिले करना है वन से बाय टू। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, वन से डिले कर दूंगा, पहले माइनस टू से टू था, डिले करूंगा तो माइनस वन से थ्री आ जाएगा, माइनस वन थ्री, और ये यहाँ पे आ जाएगा वन। ये मेरा एक्स ऑफ टी माइनस वन डिवाइड बाय टू, और एम्पलीट्यूड कितना है वन। अब एम्पलीट्यूड -6 किया मैंने, -6 माइनस का मतलब क्या है, ये तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मतलब ऐसी शेप थी ऐसी हो जाएगी, और 6 का मतलब है कि यहाँ पे 1 था तो 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है, 1 था तो एम्पलीट्यूड -6 हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिग्नल XT इज ट्रांसफॉर्म इनटू अदर सिग्नल YT गिवन एज YT इज इक्वल टू X1 माइनस T बाय टू, आंसर शोन बिलो। हमें YT दे दिया, अभी हमें XT फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, YT जो है वो है X ऑफ माइनस T बाय टू प्लस वन, ठीक है। तो उल्टा चलना स्टार्ट कर देते हैं या फिर वही एलिमिनेट करके देखते हैं। सबसे पहले तो देखो YT जो है वो माइनस ऑफ XT है, यानी कि इसकी शेप उल्टी होएगी, यानी कि ये ऐसा बनेगा, है ना, शेप उल्टी होएगी इसकी टाइम में, ठीक है, एक्स ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो सेम, ये एक गया, यस एक ऑप्शन गया। दूसरा क्या है कि बाय टू है, इसका मतलब वो एक्सपेंड, मतलब XT से YT एक्सपेंड हुआ है, मतलब YT की जो विड्थ है वो XT से डबल है। तो YT की विड्थ कितनी है, 6, इसमें देख तो XT की विड्थ होनी चाहिए 3, तो सी में 3 है, यस, इसमें देख लो विड्थ कितनी है, 8 है, इसमें 6 है, ये गलत, निपट गया ना इस सवाल, इसमें कि ओनली विड्थ और वो देख के। और अगर हमें करना हो तरीके से, मतलब उल्टा चलना है, सबसे पहले देखो अगर मुझे YT बनाना है XT से, तो सबसे पहले मेरे पास XT था, इससे मैंने क्या किया, पहले T प्लस वन किया होगा, फिर उसके बाद मैंने एक्स ऑफ T बाई टू किया होगा, फिर उसके बाद मैंने माइनस किया, टाइम रिवर्सल कर दिया, ठीक है, तब मेरे पास ये वाई टी आया और ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो उल्टा चलना मुझे, मैंने माइनस से टाइम स्केलिंग किया था, तो इसका मतलब उल्टी शेप, इसकी शेप मेरे पास क्या बननी चाहिए, इसका मिरर इमेज बना लो कि ऐसा कुछ बन जाएगा। ना माइनस फोर से टू जीरो टू, ठीक है। इसके बाद इससे मैंने ये क्या किया होगा, एक्सपेंड किया होगा बाय टू से, ना, एक्स टी प्लस वन से ये बनाने के लिए। अब मुझे उल्टा क्या करना है, फिर कंप्रेस कर देना है, तो मैं इसको कंप्रेस कर दूंगा, माइनस फोर से टू तक कंप्रेस करके माइनस टू से वन आ जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा, माइनस टू वन वन, ठीक है, ये मेरा बन गया एक्स ऑफ टी प्लस वन। मैंने एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ टी प्लस वन वन करने के लिए क्या किया होगा, एडवांस किया होगा, तो मुझे ये करने के लिए डिले करना पड़ेगा, तो मैं इसको डिले कर दूंगा वन से, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस वन जीरो वन टू, यही तो है सी, ठीक है। तो कैसे भी कर लो, ये लास्ट सवाल है। अब देखो इसमें ये थोड़ा सा देखो लग रहा है, टू सिग्नल आर शोन इन द फिगर बिलो, एक्स टी दी है, वाई टी दी है, ठीक है, वाई टी को हम कैसे एक्सप्रेस करें, ठीक
सबसे पहले इसमें देखेंगे कि देखो प्लस टू माइनस टू, प्लस टू माइनस टू, कॉन्स्टेंट प्लस माइनस टू किया हुआ है। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो बाहर है काफी जगह एम्पलीट्यूड जीरो था, बट अगर मैं वाई टी में देखूं यहाँ पे टू है, इसका मतलब मैंने प्लस टू किया होगा ना, तभी ये ऊपर गया होगा, तो मतलब बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। और एक चीज ये है कि ये जो शेप है ये वाली और ये वाली शेप और ये वाली, देखो ये वाली शेप जो है ये यहाँ पे है ना, इसका मतलब अगर मुझे एम्पलीट्यूड अगर मैं माइनस करता हूं तो ये वाली शेप मेरी यहाँ पे नीचे बनेगी, कुछ ऐसा बनेगी ना, ये वाली ऐसा मतलब नीचे एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो जाएगा। और मुझे अगर इसकी मिरर इमेज वाई एक्सिस के ऊपर बनानी है तो मैंने टाइम रिवर्सल किया होगा है ना, तभी मेरी शेप कुछ ऐसा बनी होगी जो कि ये बनी हुई है। इसका मतलब मैंने एम्पलीट्यूड भी माइनस किया है और टाइम में भी माइनस किया है, तो वो ऑप्शन सी और डी में आता है, ए में गया। ठीक है, ए में अगर हम देखेंगे ऑप्शन ए देखेंगे, ए में तो ओनली एक्सपेंड हो रहा है, मतलब ये एक्सपेंड हो जाएगा थोड़ा और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा है ना, ये यहीं पे रहेगा, ये उधर नहीं जाएगा ये ऑप्शन ए के हिसाब से, तो ऑप्शन ए भी गलत है। इसके बाद देखना ऑप्शन सी और डी में विड्थ देखो, देखो इसकी विड्थ देखो यहां से लेके यहां तक इसकी विड्थ है 6, बाइक की विड्थ कितनी है -1 से 2, 3, इसका मतलब विड्थ कम हुई है, टाइम कंप्रेस हुआ है, कंप्रेस मतलब इनटू टू किया है ना, ना कि ये, ऑप्शन सी आ जाए। ठीक है, इसको आई थिंक इससे से करोगे थोड़ा इजी है, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा फंक्शंस लगाए हुए हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, सिर्फ विड्थ वगैरह देख के एम्पलीट्यूड देख के हमें ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये 10 सवाल हमारे पूरे हो गए इस वीडियो के, कुछ अभी आई थिंक 20-25 सवाल हो रहे हैं, फिर हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स खत्म हो जाएगा। एंड किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहां भी डाउट पूछ सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो क्वेश्चन नंबर बता देना, टाइमिंग बता देना, इस टाइम पे डाउट है, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।